मैं उनका हनुमान हूँ, मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है। लोक जनशक्ति पार्टी इस समय वोट कटवा की स्थिति में बिहार के अंदर चुनाव लड़ रही है। वो मुझे छोड़ कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। बीजेपी ने और जेडीयू ने तो टिकट दे करके राज्यसभा पहुंचा। मेरे कंधे पर हाथ रख के मुझे दिलासा देते, मेरा हौसला बढ़ाते। अब चलाई है राज बाबू पास भाषण पढ़े नाले। बिहार का चुनाव है, बेरोजगारी मुद्दा है, खुद के पढ़ाई चौपट करी है विकास, जनता के मूर्ख बना ले। बदलाव 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 सब के लिए हम लोगों ने सोच लिया। 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी। आया है बिहार इलेक्शन, किसका किसका होगा सिलेक्शन। आया है बिहार इलेक्शन, किसका किसका होगा सिलेक्शन, कौन होगा बिहार का बिग बॉस। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद, और ये इस वक्त मुजफ्फरपुर का एक गांव है। ये बूढ़ी गंडक नदी है जहां पर हम इस कश्ती पर सवार हैं, और मेरे साथ दीपक ठाकुर को भी आप देख रहे हैं, जो कि पॉलिटिकल सटायर कर रहे हैं अपने तंज के जरिए, यहां की राजनीति पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। देखिए, ये जो गाँव है ये आथरघाट हुआ, और यही यहाँ से 200-300 मीटर हमारा घर है दूर। और अच्छा, यही के रहने वाले हैं, इसीलिए नाव इधर ले आया आप। आथर ये जगह है, और ये जितना जगह इलाका आपको दिख रहा है सब अभी थोड़े दिन पहले बाढ़ में डूबा हुआ था। चूंकि बिहार में कुल 38 जिले हैं, और मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि 34 जिले हम घूम भी चुके, सिर्फ 4 जिले रहते हैं, मतलब ग्राउंड जीरो की हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन मुझे दीपक जरा ये बताइए, मुजफ्फरपुर में एक बड़ी दिलचस्प राजनीति देखने को मिल रही है। अभी गाड़ी में आप किसी का जिक्र कर रहे थे जो इस बार चुनाव लड़ रही है। नहीं नहीं, चुनाव लड़ नहीं रही है, चुनाव लड़ते रह गई। कौन है, क्या हुआ था? हमारे ही क्षेत्र की विधायिका है, तो पिछले बार भी उनके साथ टिकट वाला खेल हो गया था पूरा। अच्छा। लंबा चौड़ा। हाँ। आजकल पता ही है टिकट का क्या होता है। हाँ। ठीक है, तो इस बार भी वही हुआ। हाँ। एनडीए से टिकट कटा, और उसके बाद मतलब अजब की उपाध्यक्ष भी थी यहाँ की, अभी भी है, बेबी कुमारी नाम हुआ उनका। इस क्षेत्र की विधायिका है बेबी कुमारी, क्या तो बोचा प्रखंड बोचा विधानसभा की विधायिका है। तो इस बार टिकट कट गया उनका, फिर टिकट कट गया तो फिर वीआईपी के पास गई, तो वहां से भी टिकट नहीं मिला उनका। एक्चुअली इंटरव्यू आया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस आया था, उसी से हम लोग को पता चला। उसके बाद फिर गई कि पब्लिक फोरम में कि हमारे पास नहीं मिला टिकट, लेकिन फिर मतलब भी हम नामांकन ज्यादा करेंगे। इधर चला कि उधर चला वाला मामला हो गया एकदम मतलब फिर लोजपा से ली टिकट। अच्छा। अब फिर उसके बाद लास्ट में कही कि नहीं लड़ेंगे चुनाव। अब स्टार प्रचारक हैं, फर्स्ट क्लास हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं। इधर चला मैं, उधर चला, जाने कहां मैं, किधर चला। इधर चला मैं, उधर चला, जाने कहां मैं, किधर चला। अरे फिसल गया मैं तेरे संग हो चला। अरे इधर चला मैं, उधर चला, और क्या कहना है। जहाँ भी गया मैं वहाँ ना मिला, अरे छोड़ दिया मैं तेरे संग हो चला। ये भी कईयों की स्थिति है, कई लोग हैं। एक बात जरा बताइए, जो ओपिनियन पोल एबीपी न्यूज ने भी दिखाया है दर्शकों को, उसमें एलजेपी की हालत थोड़ी खस्ता नजर आ रही है जी। एलजेपी वाले बहुत उम्मीद कर रहे थे, लेकिन लग नहीं रहा है कि कुछ बात बन रही है। तो हमको लग रहा है कि उनके दिल किडनी लीवर गुर्दा से अभी एक ही जो हुंकार है 30, वो सोचे होंगे कि भाई मिल जाएगा 25-30 सीट कम से कम, सरकार बनाने में किंग मेकर बन जाएंगे। ठीक है, बाद में फिर इधर से सट जाएंगे एनडीए में। लेकिन अगर सीट कम मिला तो उनका क्या हाल होगा कि ना माया मिली ना राम वाला बात। ठीक है, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। ओ, 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 ओ दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। दिल गलती कर बैठा, अब बोल हमारा क्या होगा। मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा, मेरे दिल की, मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा, मेरे दिल की। दिल
बताइए, कहीं जेडीयू में एनडीए में जेडीयू और बीजेपी वाले कहीं चिराग पासवान को ये तो नहीं कह रहे हो कि बड़ा पछताओगे, छोड़कर हमें चले जाओगे तो बड़ा पछताओगे? भाई देखिए अभी क्या सीन हो गया है ना कि ये जो मकर जाल था जिसको हमको ऐसे मतलब सब जनता लोग को लगा, हम लोग तो चूंकि 31, 32, 34, 35 जिला भ्रमण कर लिए तो अलग अलग जगहों से लोगों का यही का नाम है कि ये सेटिंग गेटिंग चल रहा था पीछे से। अब मान लीजिए कि सेटिंग गेटिंग, लेकिन बाहर से तो सेटिंग गेटिंग नहीं था। अब एंड टाइम पे अगर कोई पलट जाए, राजनीति में तो पलटने का खेल है भाई, पलट जाए तो क्या होगा? वो मुझे छोड़ कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। वो मुझे छोड़ कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। सुनियो सुनियो गलियां दे विच रोलना नहीं, मुहे किसी होर ले तू खोलना नहीं, शायर जानी नू जे रुलाओगे। और क्या कहना, अरे मुझसे जो नजरें, मुझसे जो नजरें चुराने लगे हो, लगता है कोई और गली जाने लगे हो। आप जो देखे हम दोनों ने मिलके, धीरे धीरे तुम दफनाने लगे हो। करोगे गठबंधन किसी और से सनम, एक तरीके से सनम बोल के सटार कर रहा है कि ये जो प्रेम लीला है किसी और से करोगे। करोगे गठबंधन किसी और से सनम, चले जाओगे हमें जो छोड़ के सनम, इस चुनाव में बहुमत न पाओगे बड़ा पछताओगे, ज्यादा न कमाओगे बड़ा पछताओगे, ज्यादा न कमाओगे। और देखिए अब तो नतीजे 10 तारीख को आएंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कौन पछताएगा नहीं पछताएगा। वैसे मैं थोड़ी जानकारी आपको दे दूं कि मैं और दीपक जब घूम रहे हैं बिहार के अलग अलग हिस्सों में, तो एंटी इनकम्बेंसी तो है, सरकार से लोगों में नाराजगी तो है, लेकिन क्या सिर्फ वही वजह है जिसके आधार पर जनता वोट डालेगी, ये सवाल बना हुआ है। क्योंकि बिहार का चुनाव चेहरों का चुनाव हो चुका है, एक तरफ नीतीश कुमार दूसरी तरफ तेजस्वी यादव। अब सवाल ये कि क्या तेजस्वी यादव की इतनी स्वीकार्यता है, नीतीश कुमार के सामने क्या लोग उन्हें स्वीकार कर पा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। हाँ ये भी एक बात देखने को मिली दीपक, मैं चाहूंगा कि आप भी इसमें अपनी बात रखिए कि नीतीश कुमार से लोगों की उम्मीदें और थीं जो लोगों से हम लोगों ने बातचीत की, लेकिन जब उनके पीछे प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा नजर आ रहा है तो थोड़ा समीकरण फिर से बदल जाता है, यानी नीतीश कुमार से जो नाराजगी है वो थोड़ी कम हो जाती है। अरे बहुत है, जैसे हम लोग बहुत जगह घूमे, बहुत लोग क्या कहता है यहाँ का नेता काम नहीं किया, देह अलग अलग भाषा का प्रयोग करता है, देह चोर है, क्षेत्र में नहीं आता है, मुंह नहीं देखे है एक बार जब वोट लेके गया उसके बाद, लेकिन फिर क्या कहता है, लेकिन मोदी जी हैं तो फिर उन्हीं को वोट देंगे और किसको देंगे वोट। लोग क्या कर रहे थे कि ऊपर काम हुआ है, ऊ कम हुआ नीचे नहीं पहुंचा है, नीचे नहीं पहुंचा। और एक बहुत बड़ी शिकायत लोगों की भ्रष्टाचार को लेकर है, करप्शन हर महकमे में बहुत ज्यादा है, इससे लोग बहुत ज्यादा त्राहिमाम है, त्रस्त है। और शायद ये एक बड़ी वजह है कि आप तेजस्वी यादव की रैलियों में जो भीड़ देख रहे हैं, क्योंकि नाराजगी है, मैं ये कह रहा हूं कि वो भीड़ वोट में तब्दील कर पाएंगे कि नहीं तेजस्वी एक अलग सवाल है, अलहदा सवाल है, लेकिन नाराजगी है लोगों में। अब हम लोग तो इनफैक्ट एक जगह गए तो कुछ अरवल वाली जो घटना थी, देहा टूटने से बच गया हम लोग का, मतलब आपका कपार फूटता, सरकार बने तब बने, किसका बने ना बने, लेकिन कपार बचे। कपार यहाँ बिहार में सिर को बोलते हैं, आपको पता होगा ना अरवल की जो घटना थी, एबीपी न्यूज की टीम पर हमला हुआ था, मुझ पर हमला हुआ था, लोगों ने धक्का मुक्की मेरे साथ की, और जब मैं गाड़ी में जाकर बैठा तो बड़े बड़े पत्थर बरसा रहे थे लोग। अब मैं यहाँ बोलना नहीं चाहूंगा कौन लोग थे, किसी ना किसी के समर्थक तो थे, और ये एक तरीके से जानलेवा हमला भी था, आपके साथ भी बदसलूकी हुई थी। हम स्टेजवा पर गाना गाए, वो गाना हम यहाँ पे सुना सकते हैं, कहे कि हमको यहाँ नहीं लगता है कि कोई कपार फोड़ देगा मेरा। और दूसरी बात यह भी कि गाना भी ऐसा कुछ था नहीं, गाने से पहले जबकि हम बोले ही बात कि गाना है आपस में साथे रहना है सब लोग को, फिर नेता उता में तो आपस में चलते रहता है, लेकिन ये गाना जब गाए और भी बहुत सारा गाना गाए तो लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ, ये गाना गाए तो सब थपड़ी पा रहे थे खूब, ये गाना जब गाए तो मतलब कि पिनक गए लोग, हम वो सुना देते हैं चार लाइन।
ये हमारा नहीं लोगों का कहनाम था कि दो चेहरा देख रहे हैं, एक नीतीश कुमार जिसको कहते हैं सब इंजीनियर साहब हैं, आ एक तेजस्वी हो गए, तो लोग कह रहे हैं कि अभी आठवां पास भी नहीं हुए, फेल है, नौवीं फेल है, आठवां पास हुए हैं। दरअसल एक बात मैं यहाँ साफ कर दूं, जो बात यहाँ दीपक कह रहे हैं, दरअसल ये बीजेपी के लोग जो आरोप लगा रहे हैं और जो जेडीयू वाले हैं उनके आधार पर ये आधारित बात है, उन्होंने जो कहा उसको ये स्वर दे रहे हैं सिर्फ। हाँ, बस वो वही बात है। अब चलई है राज बाबू सतवा अठवा पास भाषण पढ़े न आले, अब चलई है राज बाबू सतवा अठवा पास भाषण पढ़े न आले, खुद के पढ़ाई चौपट करी है विकास जनता के मूर्ख बना ले, खुद के पढ़ाई भैया बाचौपट जनता के मूर्ख बना ले, तेज रफ्तार सरकार बनाइए, तेज रफ्तार सरकार बनाइए, बढ़िया मजाक बाटे बनिया मजाक बात, और क्या कहना है, आ 10 लाख रोजगार कहाँ से दे जाई है, बढ़िया मजाक बाबा बढ़िया मजाक बा, पिताजी के टोचन से, देखिए टोचन शब्द जो होता है, टोचन कहा जाता है कि गाड़ी उड़ी अगर खराब हो जाता है तो उसको टोचन से खींचा जाता है, तो वही है पिताजी के टोचन से विधायक बन जाले भैया, पिताजी के टोचन से भी धायक बन जाले, भाषण पढ़े न आले, अब चलई है राज बाबू सतवाया ठवा पास जनता के मूर्ख बना। हालांकि देखिए जो बीजेपी जेडीयू का ये आरोप है, जो आरोप के आधार पर गीत इन्होंने दीपक ने सुनाया है, इन आरोपों में व्यक्तिगत तौर पर मुझे बहुत दम नजर आता नहीं है, उसके पीछे वजह यह है कि कहीं संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं है कि जो पढ़ा लिखा नहीं है वो सत्ता में नहीं आ सकता है या फिर चुनाव नहीं लड़ सकता है। इस देश ने इतिहास में कई बड़े नेताओं को देखा जो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, शिक्षित नहीं थे, इसके बावजूद उन्होंने जन कल्याण के बहुत सारे काम किए हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है और चुनाव कोई भी लड़ सकता है। हमने पूर्व में भी देखा है कई शिक्षित लोग, पढ़े लिखे लोग भी सत्ता में आके बहुत कुछ नहीं कर पाए, और कई ऐसे लोग जिन्होंने ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की वो बहुत बढ़िया काम करते हैं, जन कल्याण के काम करते हैं। अब एक बात है दीपक कि जब हम ये सारी बातें कर रहे थे, घूम फिर रहे थे, युवाओं में रोजगार को लेकर बड़ा आक्रोश दिखा है मुझे, आपने भी देखा होगा, नौकरियां एक तरफ 10 लाख का वादा हो गया, दूसरी तरफ 19 लाख का वादा हो गया, एक तरीके से लगा कि बोली लगाई जा रही है युवाओं की। हाँ। और बड़ा और गंभीर सवाल तो यह है कि चुनाव के वक्त नेताओं को क्यों ये याद आता है, इस पर कुछ सुनाना चाहेंगे आप? एकदम एकदम, देखिए बोलिए लग रहा है एक तरीके से, कोई कह रहा हम 10 लाख, हम 19 लाख, ठीक है, तो जनता हो कि 10 लाख खेलने जाए कि 19 लाख खेलने जाए, अब बस यही में करके आज सब तो रहे ना क्या सत्ता में, आरजेडी उनका भी शासन था, बीजेपी और एनडीए का भी शासन, बिल्कुल था। बिल्कुल, तो कहने का मतलब है कि इतना लेट से पहला आंख खुला है चुनाव के वक्त, जब चुनाव की तारीख नजदीक आ गई तो आवाज़ें कर रहे हैं, जब कह रहे हैं कि इतना लाख रिक्त पद था तो तकनी क्या नहीं आवाज उठाई कि इतना खाली पद, चुनावी लॉलीपॉप है, सिंपल सी बात है। तो अभी क्या कहना है, आप बोली लगाता युवा के, बोली लगाता, बोली लगाता युवा के, बोली लगाता, हेलो बोली लगाता युवा के, बोली लगाता, कहे कि हम देव रोजगार, 10 लाख आरजेडी एनडीए 19 हो, होता फेका फेकी धूरा धार, ए भैया 10 लाख एनडीए, सॉरी 10 लाख आरजेडी एनडीए 19 हो, फेका फेकी होता धूरा धार, और क्या, गली गली पोस्टर में, गली गली पोस्टर में हो खाता प्रचार हो, नेताजी और घूमता रे लेके युवा हजार हो, 1000 युवा भीड़ एकदम पूरा, अरे गली गली पोस्टर में हो खाता प्रचार हो, नेताजी और लेके घूमे सारे युवा हजार हो, अब वोट लेके हो जाइए लापता फिर से, ये बात
बिल्कुल, और ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप है, इसे आप समझिए, क्योंकि चुनाव की जब तारीखें आ जाती हैं तब ये नेताओं को क्यों याद आता है कि बेरोजगार हैं इस देश में जिन्हें नौकरी देनी है, आप पहले से नौकरियां क्यों नहीं देते हैं। अब एक और दिलचस्प बात, जो हम लोग घूम रहे हैं 34 जिलों का हमने दौरा किया, एक बात जो नजर आ रही है कि नीतीश कुमार से लोगों में नाराजगी है, ये बड़ी स्पष्ट सी बात है। 15 साल तक लगभग उन्होंने शासन किया, बीच में कुछ समय अगर आप छोड़ दें तो जो विकास की रफ्तार होनी चाहिए थी वो नजर नहीं आई है। लेकिन फिर वही बात कि उनके पीछे लोग प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा देख रहे हैं, तो यहां पर एक सवाल ये भी खड़ा हो गया कि ये वही नीतीश कुमार है जो किसी जमाने में प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दे रहे थे, लेकिन अब स्नेह लगा बैठे हैं। अब इसी स्नेह के भरोसे ऐसा लग रहा है, यानी मोदी जी से स्नेह करके ही नीतीश बाबू अपनी चुनावी वैतरणी पार करना चाहते हैं। दीपक जी, स्नेह, ये जो स्नेह है, इस स्नेह से पहले हमको दो लाइन याद आ गया, हमको अपना दर्द अच्छा लग गया है। अरवल में जो हम लोग के साथ हुआ बोलिए, उससे हम उबर नहीं पा रहे हैं। तो उसमें क्या है, अरवल में बच गई नी हमका पार फूटे से, मेरा और आपका दोनों का दर्द है। अरवल में बच गई नी भैया का पार फूटे से, अरवल में बच गई नी भैया का पार फूटे से, लेकिन नहीं बचा पाई अपना कार टूटे से, भैया नहीं बचा पाई अपना कार टूटे। एक बात दीपक मैं जोड़ना चाहूंगा, दर्शकों को बताना चाहूंगा, हमें इसे कोई फर्क पड़ता नहीं है, आप मेरे ऊपर हमला कर लीजिए, कार के शीशे चटका दीजिए, लेकिन जो सच है वो हम कहते रहेंगे। सवाल हर दल के नेता से होगा, हर वो सवाल होगा जो आपको चुभेगा, क्योंकि वो जनता के सवाल होते हैं। हमले से हम घबराते नहीं, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है हमारा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये अधिकार है, ये संविधान प्रदत्त अधिकार है। अब स्नेह वाली बात जो मैं कह रहा था, नीतीश बाबू जो मोदी जी से स्नेह लगा बैठे हैं और शायद उन्हें अब उम्मीद है कि इसी स्नेह के भरोसे चुनावी वैतरणी पार करेंगे। देखिए, स्नेह तो लगा लिए हैं, वो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको निभाया कैसे जाएगा, काहे कि तो उन पे लोगों का कहना है और दलों का कहना है कि उन पर तो थप्पा लग गया है हॉलमार्क कि वो पलट जाते हैं, तो इस पे क्या कहना है, बहुत चर्चित कहना है। स्नेहिया लगावल, स्नेहिया लगावल, बहुत बात नहीं नजरिया चुरावल, बहुत बात होला कन्हैया लगावल, बहुत बात नहीं नजरिया चुरावल, बहुत बात होला। आया सारा धरावल, असरा धरा देते कि ई कर देंगे वो कर देंगे, पूरा धार विकास होगा, पूरा रफ्तार होगा, क्या कहना है। असरा धरावल, बहुत बात नहीं असरा पुरावल, बहुत बात होला। वाह वाह वाह, कन्हैया लगावल, बहुत बात नहीं नजरिया चुरावल, बहुत बात होला। एक गीत और मैं आपसे सुनना चाहूंगा, और ये बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि बहुत बड़ा सच होने जा रहा है, त्रिशंकु विधानसभा की बहुत ज्यादा आशंका है। अच्छा, ऐसे में निर्दलीय जो होंगे मालामाल होंगे, बिल्कुल, और फिर तो वही होगा ना कि मैं किसी का हो जाऊं फिलहाल वाला हिसाब किताब होगा, क्योंकि हर कोई उनकी तरफ पासा फेंकेगा कि आ जाओ मेरी तरफ, सरकार बनाएंगे, मंत्री पद, दिल्ली में गो 3 BHK फ्लैट, यही सब होता है, ये सब तो लोग समझते हैं जानते हैं, लेकिन चूंकि कैमरा के सामने में कहते हैं कि अरे हम तो बहुत बड़े त्याग हैं, त्याग कर दिए राजनीति में, इसलिए आए कहे कि मेरे अंदर जनता के लिए कुछ करने का, ये जनता की दुहाई दे दी जाती है कि जनहित में हमने ये फैसला लिया, लेकिन अंदर क्या होता है, वो कुछ ऐसा कर कमा, वो कुछ ऐसा कर कमा कि तेरा हो जाऊं, कुछ ऐसा कर कमा मैं तेरा हो जाऊं, मैं किसी और का हूँ फिलहाल तेरा हो जाऊं, मैं किसी और का हूँ फिलहाल तेरा हो जाऊं।
एंड होता है। हमको चाहिए एक मंत्री पद भैया, फिर देखिए समर्थन मिजाज गद गद भैया, फिर देखिए समर्थन मिजाज गद गद, थोड़ा ज्यादा दे दो माल, थोड़ा ज्यादा दे दो माल, तेरा हो जाऊं किसी और का हूं फिलहाल, किसी और का हूं फिलहाल, तेरा हो जाऊं किसी और का हूं फिलहाल, तेरा हो जाऊं किसी और का हूं फिलहाल, तेरा हो जाऊं। वाह, तो अभी तो राजनीति में आप बहुत रंग देखने वाले हैं। अभी तो चुनाव की तारीखें नजदीक आई हैं, परिणाम के बाद भी खेल होगा। और इस बीच एक छोटी सी बात मैं कह दूं, उसके बाद कार्यक्रम को समाप्त करेंगे हम छठ के गीत के साथ, क्योंकि छठ का त्योहार भी बहुत नजदीक है और बिहार का बहुत बड़ा त्योहार है। मेरे कैमरा सहयोगी सुजीत लगातार मेहनत कर रहे हैं, उन्हीं की कैमरे के लेंस से आप हर तस्वीर, बिहार के हर रंग आप देख रहे हैं। कैमरे के पीछे रहते हैं, बहुत पसीना बहाते हैं, उन्हें भी इसका क्रेडिट हमें देना चाहिए। सुजीत बहुत मेहनत कर रहे हैं लगातार। दीपक जी, पूरी टीम को, आपको सबसे पहले तो आपको भी, क्योंकि आपने जिस तरीके से, देखिए कोई दूसरा पत्रकार होता, हम नहीं जानते हैं, पत्रकारों को इतने करीब से नहीं देखे हैं, तो पहले ही कहता कि भाई हम नहीं जाएंगे, या तो हमको पहले सुरक्षा दीजिए तब हम जाएंगे, नहीं तो वहाँ पे तो लत्तम जुत्तम का माहौल हो जाता है। लेकिन आपके जज्बे को सलाम है, पूरी टीम के जज्बे को सलाम है कि अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग बेल्ट में, हम लोग जहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे नक्सली बेल्ट है, ये बेल्ट है, वो बेल्ट है, वहाँ पे कोरोना का समय में वहाँ पे भी जाके आप लोग रिपोर्टिंग किए और ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग किए, ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग को दिल से थैंक यू, साधुवाद और धन्यवाद एबीपी न्यूज की पूरी टीम को जो पीछे काम करते हैं, क्योंकि पर्दे पर तो हम लोग देख लेते हैं लेकिन कैमरे के पीछे उनको सुजीत जी हैं, मिहिर जी हैं, सुमित सर हैं, सुमित अवस्थी सर, तो सबको मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा। और भी हमारे हैं उधर छूटे हुए, नाम नहीं याद है, इतने ही लोग आ पाए हैं, अब जरा बिहार के लोगों को आप संबोधित करते हुए छठ का गीत सुनाइए और कार्यक्रम समाप्त करें। छठ है, देखिए इसी ये बूढ़ी गंडक नदी है और इसी के घाट पे हमारा छठ होता है। हम माथे पे डाला लेके जाते हैं और चाहे कहीं भी रहे, वहाँ से एक ललसा होती है कि आए छठ में घर पे और भोरवा अर्घ और सझिया अर्घ जो होता है वो उठाए और छठी मैया की पूजा करें। क्या है दीपक, आपका भी हमारे साथ, ये सज्जन जो ढोल पर थे, अपना नाम बता दीजिए। अंकित कुमार सिंह। अंकित, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैमरामैन सुजीत के साथ मैं अखिलेश आनंद, मुजफ्फरपुर के इस बूढ़ी गंडक से हम आपके लिए इस नदी के तट से, इस कश्ती से ये खास कार्यक्रम लेकर आए थे। फिलहाल इजाजत दीजिए और बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।